दोस्तों, ये हमारी सीएनसी एलिप्स के नाम से एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर हमको X0, Y0 यानी किसी ब्लॉक या सिलेंडर का हमको सेंटर मानता है। उसके बाद में हमारे एलिप्स की विड्थ कितनी है, जैसे कि हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको बताएगी 50 mm की है, और एलिप्स की हाइट कितनी है 100 mm की। दोस्तों, हमको यहाँ पर 3, 4, 5 या 6 रेडियस लेने होते हैं। अपन कुछ भी सिमिलर ले सकते हैं जितना ड्राइंग में हमारे को दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, मुझे ड्राइंग में दे रखे हैं 4 कोऑर्डिनेट, तो 4 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने यहाँ वैल्यू फिट कर दी है 4, और G02 की बजाय मुझे घूमना है G03 के अंदर घूमना है, ठीक है। और इसको मैं करूँगा अप्रोक्सीमेट। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा प्रीव्यू देखेंगे तो हमको 4 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। कौन से वाले मिलेंगे? फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे। दोस्तों, इस तरीके से ये एलिप्स ऑटोमेटिक इसमें तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, चाहिए हमको इसके कोऑर्डिनेट, तो हम दबाएंगे इसमें आउटपुट, जिसके अंदर हमको ये 4 कोऑर्डिनेट इसके अंदर मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको ड्राइंग के अंदर डाल करके बताए हैं। एक साइड में ये चारों कॉर्नर पॉइंट हमको लिख देने हैं। G03 के अंदर ये सारे कोऑर्डिनेट्स एक साइड के अंदर हमको लिख देने हैं, प्लस साइड के अंदर। उसके बाद में इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाने के बाद में इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे और ये हमारा एलिप्स तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, सीएनसी एलिप्स में जाकर के आपको चाहे जिस साइज का आप इसके अंदर बना सकते हैं एलिप्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एप्लीकेशन रहेगी एलिप्स बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग 2D में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एलिप्स का एक प्रोग्राम, यानी कि एक का जो शेप होता है उसका प्रोग्राम सीमेंस कंट्रोल के ऊपर 840D और 828D BMC के ऊपर किस तरीके से साइकिल बनेगा, किस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक, अभी आपने देखा कि एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम साइज डालते हैं एलिप्स का कि उसका विड्थ कितना है और हाइट कितनी होती है, उन दोनों के अकॉर्डिंग उसमें कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। जैसे कि उसके ड्राइंग आप देखेंगे अभी ये इस तरीके से, यानी कि बीच की सेंटर लाइन तो कॉमन हो जाती है 50%। मान लीजिए 50 mm का ये पीस है, 50 mm इसमें अगर एलिप्स काटना है ब्रिज के अंदर और 100 mm इसकी हाइट रखनी है, तो दोस्तों एप्लीकेशन में जाने के बाद में जो सेंटर लाइन का जो पॉइंट है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद में रेडियस कितनी जगह पर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, जो कि आपने अभी एप्लीकेशन के अंदर देखा कि कितनी जगह हमको रेडियस दी गई है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। मैंने मान लिया कि मुझे 4 जगह पे रेडियस दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो दोस्तों, ये जो कोऑर्डिनेट निकाले हमने उस एप्लीकेशन के थ्रू निकले हैं, जिसके अंदर आई की वैल्यू हम इनपुट करते जाएंगे और एक्स इधर प्लस में रहेगा, वाई प्लस में रहेगा, आई माइनस में रहेगा, जो कि ये रीडिंग ऑटोमेटिक इसमें बता रही है। एप्लीकेशन ने भी यही डायमेंशन अपन को निकाल के दिए। जैसे ही दोस्तों ये रीडिंग इस तरफ जाएगी तो सारे नंबर्स वो के वही रहेंगे, केवल सिंबल चेंज होगा। जैसे एक्स में इधर आने पे एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आई प्लस बोला है, यानी कि आई की वैल्यू अगर इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये सारे डाटा इधर ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से दोस्तों, जब इस सेंटर लाइन से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारा माइनस एक्स, माइनस वाई और आई प्लस में हो जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे में इतना ही फर्क होगा कि वाई के माइनस में चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। केवल वाई माइनस में चल जाएगा, बाकी रीडिंग एडिटेड रहेगी। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे लास्ट वाले के अंदर, तो हमारी वही ऊपर वाली चीज़ वो की वही रहेगी, यानी एक्स प्लस रहेगा लेकिन वही हमारा क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा,
और आई माइनस में ही रहेगा ऐसे कैसे। तो दोस्तों ये रहेगी आज की हमारी लिप्स की ड्राइंग, जिसको आप समझ लीजिए कि हमको एक ही बार कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तीन या चार या पांच जितने भी आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे एप्लीकेशन से, उसको यहाँ इनपुट कर देना है, लिख देना है कॉपी के अंदर। उसके बाद में इन्हीं डाटाज को, इन्हीं नंबर्स को इधर इनपुट करना है और उसका सिंबल चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। पहला है x25y0 आई माइनस 84.557, सेकेंड है 14x704y4447 आई माइनस 84.557। दोस्तों सेंटर में जाने के बाद में इस तरह का लास्ट कोऑर्डिनेट बनेगा x0y50i माइनस 6.105। ठीक है दोस्तों, जब ये रीडिंग वापस यहाँ से यहाँ आएगी तो यही वाला जो पैरामीटर है यहाँ डालेंगे हम, एक्स की वैल्यू हम माइनस में कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस 6.105 कर देंगे, और आई का सिंबल यहाँ बता रहा है कि प्लस में हो जाएगा, तो -14 की जगह हम 14 डालेंगे। सेम टू सेम रीडिंग ये कि यही इधर आ जाएगी, केवल सिंबल चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों सिमुलेटर के ऊपर। 840 DSL और 828 डी VMC सिन्यूमेरिक के ऊपर, दोनों में प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम होती है, थोड़ा सा फॉर्मेट का चेंज होता है। और आज मैं आपको 840 डी के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से एलिप्स कटेगा। तो चलते हैं दोस्तों सिमुलेटर के ऊपर। ये हमारा सिमुलेटर है जिसमें हम प्रोग्राम मैनेजर में जाएंगे, वर्कपीस में जाएंगे, और यहाँ हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। शॉप मिलाप कर चुके हैं दोस्तों, प्रोग्रामिंग गाइड जी कोड में जाएंगे तो MPF के फॉर्मेट खुलेगा। इसे MPF के फॉर्मेट में हम लिखेंगे आज हमारा एलिप्स का प्रोग्राम बनाने का है, तो हम लिखेंगे ELIPSE एलिप्स फॉर साइड। यानी कि इस प्रोग्राम का नाम लिखने का इस तरीके का मतलब ये होता है कि चारों कॉर्नर पर हमको रेडियस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चारों कॉर्नर पर हमको रेडियस मिलेंगे, इसलिए हमको यहाँ पे फोर साइड लिखा है। दोस्तों हम कोई भी एक प्रोग्राम पार्ट प्रोग्राम में से उठाते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए मैं उठाता हूँ सर्कुलर पॉकेट का प्रोग्राम, क्योंकि एक मास्टर प्रोग्राम के रूप में मेरे पास हमेशा पड़ा रहता है तैयार। इसको कॉपी करूँगा, प्रोग्राम मैनेजर में जाऊँगा और एलिप्स फोर साइड, मैंने नया प्रोग्राम का नाम रखा है, यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों सबसे पहले जाएंगे हम हमेशा की कि हमको क्या आइटम मिला है, ब्लॉक सेंटर्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक की जो लंबाई है वो मुझे मिली है, विड्थ मिली है मेरे को इसके अंदर 100 mm की, और लंबाई मिली है मुझे दोस्तों इसकी 200 mm की, वो ये पीस है माइनस 20 mm थिकनेस का। दोस्तों इसको एक्सेप्ट करने के बाद में हम जाएंगे कटर बीस का, हम काम में लेना है हमको, RPM वो के वही रखना है। ये हमारा मास्टर प्रोग्राम कहलाता है, हेडर एंड फुटर हम वो का वही रखते हैं, केवल साइकिल के अंदर हम चेंज करते हैं। जैसे ये पॉकेट लिखा, पॉकेट के साइकिल हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। दोस्तों अब हम जाएंगे यहाँ से मिलिंग के अंदर। मिलिंग में जाने के बाद में सिंपल मिलिंग होती है, फेस मिलिंग, पॉकेट, मल्टी स्लॉट, थ्रेड मिलिंग और इनग्रेविंग। दोस्तों ये हम सारा कर चुके हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको चूज करना पड़ेगा काउंटर मिलिंग को। ठीक है, कंटूर मिलिंग के अंदर हमको पाथ मिलिंग करनी होती है। सेम टू सेम CNC ट्रेनिंग के अंदर जिस तरीके से स्ट्रोक रिमूवल, न्यू कंट्रोल या ऑप्शन खुलता है, उस तरीके से इसमें भी खुलता है पाथ मिलिंग और कंट्रोल। कंट्रोल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल का कॉल करेंगे यानी नाम रखेंगे। नाम रखते हैं दोस्तों, हम रखते हैं जैसे कि
ELIPSE, ठीक है, ELIPSE नाम रख दिया मैंने इसका। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, जब CNC में हम कंट्रोल बनाते हैं तो हम इस तरह का नाम रखते हैं। अब दोस्तों वापस कंट्रोल मिल को यहाँ बैक दबाना है, यहाँ से हम कर लेंगे पाथ मिलिंग, यानी कि जो एलिप्स कटेगा वो कौन से पाथ पर कटेगा, पाथ हमको लेना है। पाथ लेने के लिए RPM वो रखेंगे, बैकवर्ड चलाना कर रहोगे या फॉरवर्ड चलाना है उसके लिए सिंबल चूज होता है। दोस्तों ये होता है कटर को लेफ्ट से चलाना है या कटर को राइट से चलाना है या कटर को सेंटर से चलाना है, इनमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। ये नीचे पूरा इस कलर में चेंज हो जाता है, इस सिंबल का विशेष तौर से ध्यान रखना है, इस सिंबल पर ही डिपेंड करता है, इस सिंबल पर डिपेंड करता है कि आपका साइज ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनेगा या ड्राइंग के बाहर बनेगा। इस सिंबल का हमेशा आप ध्यान में रखिए। सिमुलेशन चलाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपने इसको किस जगह पे रखा हुआ है। -20 तक जाना है, 5 mm का मैंने कट दे दिया है कटर को। यहाँ पे हमको चूज़ करना दोस्तों सेमी सर्कल ही चूज़ करना है, ताकि हमारा कटर यहीं अंदर घूमे, या बाहर का बना रहे हो तो बाहर ही घूमे, लेकिन घूमे कितना, 1 mm रेडियस पे। इस एरो को हमेशा ध्यान रखें, इस तरह की होना चाहिए। फीड है अंदर एंट्रेंस की 500 की। वापस ये रिट्रैक्शन मोड है, इसमें साइज पूछेगा सेमी सर्कल लिखते ही, तो हम क्या कर देंगे 1 mm, यानी कि 1 mm के यहाँ से टर्न करके रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, J0 सेफ्टी क्लियरेंस पे। दोस्तों तो इस चार्ट को आप ढंग से देख लीजिए एक बार, ये चार्ट ही मेन इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट के अंदर ही सही चीज़ है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है और आपका जो भी खराब हो सकता है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद में हमने पाथ मिलिंग का साइकिल तो डाल दिया है, लेकिन पाथ मिलिंग होनी भी तो चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, M30 के बाद में हम जाते हैं कंटूर में। यहाँ पे इनपुट करने वाले कंट्रोल में न्यू कंट्रोल बनाएंगे, इसका नाम हम रखेंगे जो कि हमने प्रोग्राम में रखा है, ELIPSE एलिप्स। एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट डालना है जो हमारे पहले कोऑर्डिनेट हमको मिले। पहला कोऑर्डिनेट दोस्तों ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको देखना है कितना मिला है, हमको मिला है 25 mm का, एक्स के अंदर 25 mm और वाई की पोजीशन मिली हमको 0, इसको कर लेना दोस्तों एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होगा स्टार्ट पॉइंट। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं स्टार्ट पॉइंट कौन सा, X25Y0, सॉरी ये -0.557 आएगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। ये जब वापस रिटर्न होगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमको काम आएगा, I- वाला, लेकिन हमारा स्टार्ट पॉइंट सबसे पहले ये रहेगा X25Y0। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग लाइन हमारी है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये है हमारा, और थर्ड कोऑर्डिनेट ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ऊपर ही ऊपर है। इन कोऑर्डिनेट्स को दोस्तों हम फिल करते जाते हैं चार्ट के अंदर, एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ से हमको घूमना है, लेकिन हम आर में कुछ भी नहीं डालेंगे, आर में हम कुछ भी नहीं डालेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमारे को मिला है X14.704,
वाई में मिला है 40.437 और आई की वैल्यू हमको मिल गई है माइनस में 84.557। इनपुट करते दोस्तों ऑटोमेटिक इसमें रेडियस ऑटोमेटिक इसमें जनरेट हो जाएगा। इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। फिर हमको और घूमना है थर्ड लाइन पे, एक्स के अंदर जाना है हमको, रेडियस वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, एक्स के अंदर जाना है सिर्फ कोऑर्डिनेट डालना है 9.869, वाई का कोऑर्डिनेट डालना है 45.939 और आई में दे रखा है -42.306। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक रेडियस इसमें बन जाएगा। यहाँ आपको रेडियस बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपको केवल आई की वैल्यू डालनी है, ऑटोमेटिक इसमें रेडियस जनरेट होता जाएगा। देखिए इस तरीके से हो गया। फिर से हमको घूमना है अगले कोऑर्डिनेट पे, एक्स के अंदर 6.105, सॉरी G03 में रखना है अपने को, एक्स पे जाना है 6.105, वाई की वैल्यू 48.486, आई की वैल्यू -14.908। इनपुट करते ही ऑटोमेटिक यहाँ रेडियस बन जाएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये यहाँ पे घूम गया। अब आता है हमारा इस क्वाड्रेंट का लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है। लास्ट कोऑर्डिनेट हमारा इस क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला है, जो कि X0 और Y50 और I -6.105 ये हमको डालना है। तो थोड़ा और घूमते हैं और सीधा एक्स पे आते हैं, एक्स पे 0, वाई पे 50 और आई है -6.105। डालते ही इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा, यानी कि एक साइड का 1/4 एलिप्स हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना होता है कि इसी साइकिल के अंदर अभी प्रोग्राम और घूमेगा। अब हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, जो कि मैंने पहले पेपर पे निकाल रखी है और बना रखी है। दोस्तों चलते हैं इसके लिए हम कंप्लीट वाले प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर माइनस वैल्यू डाल करके ये प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है। तो प्रोग्राम मैनेजर में चलते हैं वापस, कहाँ मैंने बना रखा है एलिप्स 3 के नाम से मैंने बना रखा है। दोस्तों ये सेम वो की वही चीज़ है, समय बचाने के लिए मैंने आपको बताया है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैंने डाल दिया एक पॉकेट, क्योंकि बीच का डायमीटर कितना है इस पॉकेट का, 50 है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 है। तो हम एक सर्कुलर पॉकेट काट सकते हैं इसके अंदर, चाहे तो हम कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट निकाल करके एक रेक्टेंगुलर पॉकेट भी इसमें पहले काट सकते हैं, सर्कुलर पॉकेट भी काट सकते हैं और रेक्टेंगुलर पॉकेट भी इसमें काट सकते हैं, ताकि मटेरियल पहले हम रिमूव कर दें बीच का। तो दोस्तों मैंने इसमें करा है सबसे पहले सर्कुलर पॉकेट काटी है इसमें डाया 50 के लिए -20 mm तक। सर्कुलर पॉकेट का प्रोग्राम देखेंगे मेरे पिछले वाले वीडियो के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है, वो आप देख लीजिएगा। ये कंप्लीट मशीनिंग है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है।
फिर दोस्तों हमारा ये का ये चीज़ मैंने ए बी सी डी से इसमें काउंटर को कॉल किया है, काउंटर का नेम ए बी सी डी डाल रखा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैंने लिया है पाथ मिलिंग का प्रोग्राम, ये ऐसा कैसे मैंने आपको ये भी बताया था, सारी चीज़ें वो की हुई है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, बैकवर्ड है, कटर का राइट ऑफ द कंटूर है, -20 तक जाना है, 5 mm के पर कट हैं, फिनिशिंग अलाउंस कुछ नहीं छोड़ रखा, एक्स में भी मैंने कुछ नहीं छोड़ रखा, सेमी सर्कल लिया मैंने, 1 mm के रेडियस पे इसको एंट्रेंस लेनी है, 500 की फील्ड में इसको अंदर जाना है और सेमी सर्कल पे ही इसको 1 mm का लेते हुए इसको बाहर निकलना है और J0 सेफ्टी क्लियरेंस तक बाहर निकलना। ये प्रोग्राम एजुकेशन साइकिल ऐसा का ऐसा ही इसमें इनपुट है। दोस्तों आते हैं इस कंट्रोल के अंदर, इस कंट्रोल को खोलता हूँ मैं, सारी चीज़ें आपको वापस दिखा देता हूँ। मैंने इसको X0 से चलाया था यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि जब मैं सर्कुलर पॉकेट अगर काट चुका हूँ तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पर अगर X25 डाला था तो मैं यहाँ पर X25 भी डाल सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं सेकेंड लाइन में मैंने इसको ले लिया है, X25 यहाँ तक आ जाएगा। और अब बताता हूँ आपको वन बाई वन इसके कोऑर्डिनेट। दोस्तों ये कोऑर्डिनेट हम इनपुट कर चुके हैं, पहला नंबर का X14, Y40 को -84.557, ठीक है दोस्तों, ये वाला कोऑर्डिनेट भी हम डाल चुके हैं, ये वाला भी डाल चुके हैं, X0 Y50 यानी कि ऊपर का कॉर्नर का पॉइंट अभी अभी हमने डाला है, आपने देखा था ड्राइंग के अंदर सबसे ऊपर ऊपर वाला कॉर्नर, ये डाला है। अब हो रही दोस्तों इसके अंदर आगे वैल्यू माइनस में, यानी कि ये यहाँ जो आपको दिख रही है पीली लाइन, ये माइनस में चला गया एक्स, लेकिन वाई की रीडिंग वो की वही रही, और आई जो माइनस में था वो हो गया प्लस के अंदर, ठीक है दोस्तों। वापस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकाला जिसके अंदर एक्स माइनस में हो गया है, वाई वो का वही रहा है, और आई क्या हो गया प्लस में हो गया है, उसी रीडिंग को हमने नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर दी। तो दोस्तों इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं और इस सर्किल को हमने पूरा किया है, घूमता जाएगा घूमता जाएगा, सारे कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर हमने डाल दिए हैं और ये प्रोग्राम उसमें एंड हो गया। तो दोस्तों इस सर्किल को हम यहाँ से चले हैं, आपको बताया था कि यहाँ प्लस क्या रहेगा, यहाँ एक्स माइनस में आ जाएगा, यहाँ एक्स और वाई माइनस में आ जाएगा, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर वाई माइनस में आ जाएगा। दोस्तों इसी रीडिंग को हमने केवल चेंज किया है इसके अंदर और ये हमारा एलिप्स का प्रोग्राम तैयार हो गया। दोस्तों चेक करते हैं इसको एक्सेप्ट करने के बाद में इसका सिमुलेशन किस तरीके से दिखता है। सबसे पहले ये साइकिल एक पॉकेट बना रहा है, और ये हमारा शुरू हो गया एलिप्स इसके अंदर बनना, यानी कि मैक्सिमम मटेरियल हमने रिमूव कर दिया है और यहाँ से केवल ये इसी को बना रहा है। इसका 3D व्यू देखेंगे दोस्तों तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों इस तरीके से बनता है एलिप्स का प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं और उसको पाथ मिलिंग के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी डेप्थ हम इसमें एक बार में डाल लेते हैं कि हमको कितना mm अंदर जाना है और कितने mm के कट लेके जाना है। उसके बाद में ऑटोमेटिक ये इस पाथ को इस कोऑर्डिनेट्स को चलता हुआ 20 mm गहराई तक जा कर के एलिप्स को तैयार कर देता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का एक एलिप्स का प्रोग्राम आपके लिए? EMC 840D SL पे भी बना सकते हैं और सिनेमेरिक 828D पे भी आप इसको बना सकते हैं।
सिर्फ आप उसमें काम में क्या लेना है, पाथ मिलिंग का साइकिल काम में लेना है, कंट्रोल का नाम डालना है, और नीचे आपको कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो कि मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा ये प्रोग्राम किस तरीके से लगा, और आप शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे आने वाले नए वीडियो के लिए। अगले जो मेरे प्रोग्राम होंगे बीएमसी पे पाथ मिलिंग पे, डिफरेंट टाइप के डिजाइंस किस तरीके से हम काट सकते हैं वो मैं आपको साइकिल बताऊंगा, किस तरीके से हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग पाथ मिलिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।